हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट्स अ डेट ए बॉय इज ट्राइंग टू स्टार्ट ए फायर बाय फोकसिंग सनलाइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.39 इनटू 10 टू पावर 9 मीटर एंड इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 इनटू 10 टू पावर 11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज ऑन द पेपर। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, ये हमने सपोज यहां पर एक बाय कन्वेक्स लेंस लिया है और सन का हम यहां पर इमेज बना रहे हैं, तो क्योंकि सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स स्मॉल बनेंगे। यहां पर यह है सपोज पेपर, एक तो एंगल स्मॉल होंगे और दूसरा जो फोकस होगा, फोकल लेंथ, उस लेंथ पर इमेज बनेगा क्योंकि रेज बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, नियरली पैरेलल होंगी रेज। तो इस टाइप से ये एंगल और ये एंगल थीटा दोनों इक्वल हो गए, ये हो गया डायमीटर ऑफ द सन एंड हेयर इट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द सन इज सपोज स्मॉल आर, तो इस टाइप से यहां पर इमेज का फॉर्मेशन पेपर के ऊपर होगा जिसको फोकस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस। यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस बिकॉज द एंगल इज वेरी स्मॉल एंड लीनियर डिस्टेंस कैन बी टेकन एज आर्क। तो ये जो लीनियर डिस्टेंस है सन का, इसको हम एज ए आर्क ट्रीट कर रहे हैं, तो ये आर्क हो जाएगा यहां पर डायमीटर ऑफ द सन डिवाइड बाय रेडियस है यहां पर ये डिस्टेंस आर एस। सिमिलरली राइट साइड में भी हम अप्लाई करेंगे सेम मेथड, इसी टाइप से इसको हम टेन थीटा से भी कर सकते थे, यहां पर एंगल को लेके टेन थीटा हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी टाइप से यहां पर भी टेन थीटा हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस मेथड से भी हम कर सकते थे। तो यहां से रेडियस हमें मिल जाता इमेज का, उसको डबल करते तो डायमीटर आ जाता। अब हमें कैलकुलेट करना है यहां पर डायमीटर ऑफ द इमेज, तो डी आई हमें कैलकुलेट करना है, सो डी आई विल बी फोकल लेंथ इनटू डायमीटर ऑफ द सन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सन। फोकल लेंथ हो गया 10 टू पावर माइनस 1, सन का डायमीटर है 1.39 इनटू 10 टू पावर 9 एंड रेडियस ऑफ द सन यहां पर होगा, डिस्टेंस ऑफ द सन यहां पर होगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 11। इस स्टेप से हम डायमीटर निकालेंगे इमेज का, 10 का पावर अगर देखें तो इधर 9 है, 11 को शिफ्ट करेंगे देन माइनस 3 पावर हो जाएगा यहां पर 1.39 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर देंगे, सो आफ्टर डिवीजन वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 9.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, यहां पर एक इंटू 10 कर देंगे हम जिससे कि 13.9 बन जाए और डिवीजन इजी हो जाए, तो ये यहां पर वैल्यू मिल जाएगा हमें मीटर में। सो हियर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।